ये मोहन लेक बन गई। अच्छा, मोहन लेक बनी हुई है। ये देखो यहाँ पे लोगों का चलना मुश्किल हो रखा है। मैं आपको बिना बारिश के मौसम का लंदन दिखा रहा हूँ। ये दिल्ली का लंदन है, पेरिस है। ये है लंदन पेरिस वाला पार्क जो दिल्ली को बनाया गया है। क्या आपने इससे पहले इस तरह का पार्क देखा है? क्या कल रात दिल्ली में बारिश हुई थी? क्या यमुना उफान मारी थी? क्या बाढ़ आई थी? बदबू आती है यहाँ पे, लैटरिन का पानी है ये नाले का, यहाँ इतनी बदबू आती है। हम सारा दिन ले भैया, हमें लगा कि रात में बाढ़ आया, बारिश हुई, यहाँ तो पता नाले का पानी है। ये देखिए पावर, बिजली, अगर थोड़ा सा भी टच हो जाए तो क्या हाल होगा। टच होगा इसमें और निकलेगा सीधे स्वर्ग में। ये कनेक्शन है, आदमी कहाँ जाए, गड्ढे में सड़क, सड़क में गड्ढा, और इस गड्ढे के बगल में है पावर। के नाम पे गार्डन तो है नहीं। हाँ, ये मोहन लेक बन गई। अच्छा, मोहन लेक बनी हुई है। ये देखो यहाँ पे लोगों का चलना मुश्किल हो रखा है, पैदल कोई निकल नहीं सकता, इतने गड्ढे हुए पड़े हैं। ये समस्या कब से है? ये समस्या पिछले 7-8 महीने के हो, पिछले 5-10 सालों से है समस्या। ये जो सीवर जो खुला पड़ा है, जो पानी बैक मार दिया है, कैसे हुआ है? ये सीवर भरे हुए हैं, ओवरफ्लो है सारे सीवर, कोई सफाई नहीं हो रही इनकी। क्या रात में बाढ़ आई हुई थी कि बारिश हुई थी? बारिश हुए तो 6 महीने हो गए हैं, वैसे ही बारिश होती है। लोगों के घरों का पानी घरों के अंदर घुस रहा है, सीवर फुल भरे हुए हैं। देख सकते हैं, ये आम जनता है जो आपको यहाँ की यथास्थिति बता रही है। कल दिल्ली में ना बाढ़ आई ना बारिश हुई, तो फिर ये जल जमाव क्यों हो गया? ये जल जमाव नहीं है, ये नाला का पानी है जो सड़कों पर तैर रही है। और सड़क किस तरह से नाले में तब्दील हो गया है, कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं उत्तम नगर के मोहन गार्डन में मौजूद हूँ, जहां से तस्वीर दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं कि आम जनता किस तरह से सड़क को पार कर रही है। ये है यथास्थिति। इधर आइए भैया, किधर रहते हैं आप? लच्छी में। ये समस्या कब से इस एरिया की है? काफी सालों से। कल रात में बारिश हुई थी या बाढ़ आई थी? कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये पानी हाथ तक क्यों जमा हो गया है? नाले का है तो। नाले का पानी है, नाले का पानी है ना? सीवर का भाई, नीला नाला सीवर सब एक ही है। हाँ। उसी का पानी है, इतना पानी सारा हो गया और क्या। देख लीजिए भैया, कल रात में बाढ़ नहीं आई ना बारिश हुई है, ये सब नाला का पानी है, इतना जल जमाव क्यों हो गया यहाँ पर? ये नाला लीक कर गया है, नाला से है ये। कब से ये साफ सफाई नहीं हो रही है? काफी दिनों से नहीं हो रहा है। क्या क्या समस्या हो रही है यहाँ पे? पूरा आना जाना सब बाधित हो गया है, आना जाना सब डिस्टर्ब है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार जिम्मेदार है, और कौन होगा जिम्मेदार? सरकार का नाकामी दिख रहा है। चुनाव आने वाला है? बिल्कुल। केजरीवाल जी ढोल बजा रहे हैं? बिल्कुल ढोल बजा। दिल्ली का विकास हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। दिल्ली में बहुत भयंकर विकास कर दिए हैं इस तरह का? बिल्कुल एकदम खराब भी है, इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी जहाँ जहाँ सभा लगा रहे हैं, वहाँ वहाँ अपना विकास का कार्य गिना रहे हैं कि दिल्ली को मैंने लंदन बना दिया है। मैं आपको बिना बारिश के मौसम का लंदन दिखा रहा हूँ। ये दिल्ली का लंदन है, पेरिस है। इसी तरह का नजारा आपको दिल्ली के हर क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ये जो लंदन पेरिस है, कब से बना हुआ है? अभी ये इधर पार्क में, और देखिए पार्क में पूरा भरा पड़ा है पानी। क्या? से पानी से। किधर? यहीं पे, ये बराबर में, ये पार्क में, इस पार्क में। चलिए, बाबा बता रहे हैं कि एक पार्क में लंदन पेरिस वाला दृश्य देखने को मिलेगा। हम दिखाते हैं। पूरा तालाब बना पड़ा। क्या हुआ है? पूरा तालाब बना पड़ा। बाबा मुझे ये बताइए, समस्या कब से यहाँ पर है? समस्या बहुत बड़ी है, ना तो कोई पार्क में बैठ सकता है। हाँ। पूरे का पूरा लबालब भरा पड़ा, देखिए। हम कैमरा मैन से आग्रह करेंगे हाथ जोड़कर, कृपया तेजी से आप आए और दिखाए दिल्ली के लंदन और पेरिस को। ये देखिए पेरिस, ये देखिए लंदन पेरिस, लंदन पेरिस वाला पार्क देखिए आप। आप दिल्ली के किसी भी चैनलों पर आप नहीं देख सकते हैं, सिर्फ जनमन स्विच पर देख सकते हैं। ये लंदन पेरिस वाला पार्क, ये है लंदन पेरिस वाला पार्क जो दिल्ली को बनाया गया है। क्या आपने इससे पहले इस तरह का पार्क देखा है? क्या कल रात दिल्ली में बारिश हुई थी?
क्या यमुना उफान मारी थी, क्या बाढ़ आई थी? बाबा ये बताइए, ये कहाँ पर, ये पार्क में बारिश नहीं हुई, बाढ़ नहीं आई, तो फिर ये सब क्या है? ये सब नालों का पानी भरा हुआ है। तो पार्क में आ जाएगा पानी? पार्क में आ जाता। कब से जमा है पार्क में पानी? है ये तो सब इधर से आ जाता है, इधर से आ जाता नाले का पानी, पार्क में पूरे में भर जाता है। ये देख लीजिए भैया, लंदन पेरिस वाला पार्क। हम क्या दिखाएं, पहले सड़क दिखा देते हैं, ताकि इस पर भी मैं आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाऊंगा इस पार्क का भी। दिल्ली का जो अजूबा पार्क है मैं वो भी दिखाऊंगा, इसकी मैं विशेष रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको, दिल्ली का लंदन पेरिस का पार्क कैसा। लेकिन फिलहाल आप सड़क देखिए। छह महीने से हम बहुत परेशान है यहाँ पे। हाँ। रोज बदबू आती है यहाँ पे, लैटरिन का पानी है ये नाले का, यहाँ इतनी बदबू आती है, हम सारा दिन यहाँ पे। भैया हमें लगा कि रात में बाढ़ आया, बारिश हुई, यहाँ पे बता नाले का पानी है। परेशान है यहाँ पे छह महीने से। हाँ छह महीने हो गए, और क्या, छह महीने ज्यादा हो गए हैं। इतने परेशान है यहाँ निकलने पड़ने को। देखो बड़ा डेयरी है दूध की, देखो ये देखो दूध की डेयरी है, क्या बीमारी पैदा है, मच्छर शाम को दुनिया भर के हो जाते, मलेरिया डेंगू है, तरह तरह की विभिन्न तरह की बीमारी उत्पन्न हो सकती। करीबन छह महीनों से इस मोहन गार्डन का दुर्गति है, ना कोई देखने वाला ना कोई दिखाने वाला। आखिर आम जनता जाए तो जाए कहाँ, ये तो दुकान लगा रहे हैं, क्या करेंगे, हम तो मजदूर आदमी है, यहाँ पे काम करने के लिए बैठे हुए, क्या करें। हमारे ग्राहक भी वहां पर चले आते हैं बेचारे, कहेंगे अगर नाला बड़ा पड़ा है कैसे काम करेंगे हम लोग, बताओ। हमको बोलते लोग कपड़े भी नहीं देते है, बोलते यहाँ तो गंद खाना हो रखा है, बताओ। सोचिए आम जनता इस सड़क को पार भी नहीं कर सकती है। मैं पावर बिजली अगर थोड़ा सा भी टच हो जाए तो क्या हाल होगा, टच होगा इसमें और निकलेगा सीधे स्वर्ग में। ये कनेक्शन है, आदमी कहाँ जाए, गड्ढे में सड़क, सड़क में गड्ढा, और इस गड्ढे के बगल में है पावर बिजली, और आम आदमी जाने का रास्ता है बंद। एक देख सकते हैं इनका बाइक डगमग डगमग होकर चल रहा है, और ये देख सकते हैं कि जूता भी भींग गया है। ये है दिल्ली की आम समस्या, ये है मोहन गार्डन की असली सच्चाई, जो मैं आपको जनमंच न्यूज के माध्यम से दिखा रहा हूं कि देख लीजिए, ये दिल्ली का लंदन है, ये दिल्ली का पेरिस है। दिल्ली की सच्चाई जरूर पता जनता को कि आपकी सरकार 10 सालों में क्या काम किया है, क्या काम किया है, चूतिया बनाया है, चूतिया बनाया है। ये देख लो, ये पिछले, ये आपने 6 महीने बोला ना, मैं तो 10 साल से देख रहा हूँ, 10 साल से। हाँ, आखिर सबसे बड़ी वजह क्या है यहाँ का? यहाँ ना तो नालों की सफाई होती है, वो हाँ। देखो वो झील में से तैरकर स्कूटर, आपने झील में नाव देखी होगी। हाँ। अभी स्कूटर देखिए, कारें देखिए, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि झील में से, ये केजरीवाल का पेरिस है कि झील में से कारें, स्कूटर, टू व्हीलर, ई रिक्शा सब निकल रहे हैं। कैसे सुधार हो इस सिस्टम का? शब्दों की कमी पड़ रही है और मैं गलत शब्दों का यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो सुधार कैसे होगा भाई साहब? इस BKL को बाहर निकालो, अब की बार केजरीवाल मत लाओ। अच्छा, केजरीवाल को मत लाओ, नई सरकार बनाओ, BJP को लाओ। BJP जरूरी है कि वो सब विकास कर देगी? बिल्कुल करेगी। अरे भैया यहाँ से लोकसभा सांसद BJP का भी है? यहाँ नहीं है। तो कहाँ है फिर? ये पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट है ये। अरे सर यहाँ का फर्ज लोकसभा सांसद का नहीं बनता है क्या? ऐसा है, निगम पार्षद यहाँ आम आदमी पार्टी का, विधायक यहाँ आम आदमी पार्टी का। तो सबको बोलिए ना, तो लोकसभा सांसद BJP का, ये क्यों भूल जाते हैं? लोकसभा सांसद अभी 6 महीने पहले। अच्छा मुझे ये बताइए, इससे पहले भी प्रवेश सिंह साहिब जी थे, वो भी BJP से। मुझे ये बताइए भाई साहब, आप वोट करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, समय वोट करते हैं ना। हाँ। नेता के बदल जाता है क्या? सबका फर्ज बनता है विकास का कार्य करना, विकास नहीं हो रहा है तो जागृत करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि BJP यहाँ पे नहीं है, तो सांसद महोदय को इस नाले में खड़ा होकर वीडियो बनाना चाहिए और देश को बताना चाहिए दिल्ली की सच्चाई क्या है। आपका नाम क्या है? बात है कि नहीं? आपका नाम क्या? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, अभी जितना आप गदाधरी भीम बन रहे थे, उतना अगर आप एक साल पहले आकर बनते, तो जो अभी ये नई सहरावत जी सांसद आई हैं, उससे पहले वाले
क्या नाम बताया आपने? परवेश सिंह साहिब जी को, साहिब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र, उनको भी जाकर आप पकड़ सकते थे भैया। हम यहाँ पे लगातार 2 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, शायद आप जनमंच न्यूज को नहीं देख रहे हैं। जनमंच न्यूज है यहाँ का भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाला, शायद आप पूरी रिपोर्ट देखें तब किसी पत्रकार को किसी नाम संबोधन करें। ये हमारे जो निगम पार्षद थे, ये पुराने वाले कृष्ण गहलोत जी, उनको जाकर बताते थे, वो तुरंत आकर खड़े हो जाते थे। तो भैया यहाँ से कृष्ण गहलोत जी का 100 मीटर पे घर है, उनको दिख नहीं रहा है क्या? आप अगर माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स ऊपर नहीं उठेंगे, तो इसी तरह का समस्या आम जनता झेलती रहेगी। पार्क का दुर्गति देख लीजिए, पार्क में नाव तैर रहा है कि गाड़ी तैर रहा है सामने दिख रहा है। ये सिर्फ एक जवाबदेही नहीं बनता है दिल्ली में, दिल्ली में मिश्रित सरकारें यहाँ चलती है, चाहे बीजेपी की हो चाहे आम आदमी पार्टी की हो, दोनों को सामने आना पड़ेगा। जनता की जो मूलभूत सुख सुविधाएं है उससे बात करनी होगी। कोई भी सरकारें रहे, हम किसी सरकार या पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं आए, जो जनता की बात है मैं वहां ये करने आया। दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना एलजी के हवाले कर देना चाहिए। जो आपने बात बोली है ना कि पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, जब वो एलजी के पास रहेगा ना तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। एलजी अपने आप ही, ये है विकास का नहीं होने का सबसे बड़ा कारण, ये है सबसे बड़ा लूपहोल दिल्ली में, जो कि आम जनता यहाँ पर झेलती है। अगर आपको यह खबर पसंद आई है जरूर शेयर करें, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।